हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हैं भाई सारे? अब सब ठीक हैं? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम जेई सिविल का जो कोर्स चल रहा है हमारा, तो जेई सिविल के कोर्स के बारे में बात करें तो उसमें हमारे टॉप फैकल्टीज हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। टॉप फैकल्टी में जो आते हैं वो आपने देखा होगा। हमारे इसमें सबसे पहले तो जेई सिविल के लिए जो पढ़ा रहे हैं वो NIT जमशेदपुर से दुर्गेश सर, जो आपको पहले स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दूसरे मोहित सर, जो MTech हैं, 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। दुर्गेश सर का भी मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है NIT श्रीनगर और जम्मू के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। दूसरा मैं बात करूँ तो मोहित सर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मोहित सर आपको जो है वो सर्वे और इरिगेशन पढ़ा रहे हैं। वो इरी सॉरी इरिगेशन नहीं, अपने सर्वे पढ़ा रहे हैं अभी जो। तो उनका CPM, ये मास्टर इन MTech हैं CPM में, तो अभी ये CPM पढ़ा रहे हैं। उसके बाद सर्वे पढ़ा रहे हैं। देन उसके बाद दुर्गेश सर जो हैं वो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ जो मैंने सोचा था, या हमने पूरी मैनेजमेंट ने जो एक टीम वर्क है ताकि जो लोड है वो डिवाइड हो जाए, तो दुर्गेश सर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ सॉइल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो PhD सॉइल में कर रहे हैं NIT जमशेदपुर से। तो आगे बात करें ER कुमार शुभम सर की, तो कुमार शुभम सर भी NIT जमशेदपुर से हैं और ये आपको हाईवे पढ़ा रहे हैं और साथ में स्ट्रक्चर पढ़ा सॉरी उसमें RCC पढ़ा रहे हैं। RCC और आपका हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। तो गौरव सर की बात करें तो गौरव सर पढ़ा रहे हैं आपको इरिगेशन, और इरिगेशन के साथ साथ वो वाटर सप्लाई पढ़ाएंगे। तो रही बात रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और नए टीचर जो हम ढूंढ रहे हैं, जो PhD होल्डर्स हैं, तो उनको देख रहे हैं। स्क्रीनिंग चल रही है, तो पूरा प्लेटफॉर्म जो है हमने रेडी किया है ऑनलाइन आप लोगों के लिए, स्पेशली जो JKSSB की 6 ईयर के बाद जो वैकेंसीज आई है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जो श्रीनगर से हैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस हैं फैमिली को लेके, अर्निंग को लेके। और बड़े बच्चे हैं जो हमारे इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे हैं JEE की, तो उन्हीं के लिए हमने स्पेशल ऑफर लाया है और स्पेशल फैकल्टीज लाई हैं जो आपके इस पूरे एग्ज़ाम को, आपके एग्ज़ाम के होने तक आपका पूरा टेस्ट सीरीज, आपके क्वेश्चनिंग, आपके नोट्स, आपके ईच एंड एवरीथिंग डाउट क्लियर करेंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव है, ऑफलाइन, अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन में फ़ी जो नॉर्मली है वो है, आप सब जानते हैं जो कर रहे हैं, जो बच्चे ले रहे हैं कोचिंग, तो वो फ़ी नॉर्मली 20 से 25 हज़ार के बीच में आती है। और एक गरीब घर के बच्चे को, या जिसने इंजीनियरिंग को छोड़े बहुत देर हो गई है, तो वो 18 से 20 हज़ार या 25 हज़ार नहीं दे सकता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सिंपली मैं प्लेटफॉर्म है, घर से बैठिए, एक वीडियो को 50 बार देखिए, 100 बार देखिए, डाउट है कमेंट सेक्शन में करिए, कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल करिए। तो इसीलिए मेरा हार्डली हार्डली और हार्डली 6,000 में 10 के 10 सब्जेक्ट विद MCQs ईच एंड एवरीथिंग आपके घर में। हैंड रिटन नोट्स की बात है, वो भी टीचर्स फैकल्टी बना रही हैं और वो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, वो भी आप रजिस्टर कर लीजिए।
तो चलें हम आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका आगे बढ़ते हैं। और आज हम इरिगेशन का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। तो इरिगेशन का कंपोनेंट जो मैं लूँगा उसको मैंने अपने जैसे आपका सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने कुछ उसको कंपोनेंट वाइज जो उसको स्टेप वाइज सेक्शन वाइज किया है तो वो चलो नज़र ला डालते हैं आपके सिलेबस की तरफ। तो ब्रीफ है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, सिंचाई तो ये तो सर गई, हर घर में किसान इरिगेशन करते हैं, उसमें एक तरीका होता है। तो उसी के हिसाब से जो आपके पेपर में है तो जो पेपर में आना है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और बिल्कुल ट्रिक से चलेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने एस्पायर अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एस्पायर अड्डा के आगे मैंने जो इसको डिस्कस किया है, जो मैंने डिस्कस किया है पहले इसको मैंने इंट्रो में डाला है। इंट्रो में हमारे पास आ गया, इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम वाटर सप्लाई पढ़ेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ेंगे, डिज़ाइन ऑफ कनाल पढ़ेंगे, डाइवर्जन ऑफ हेडवर्क पढ़ेंगे, कैनाल रेगुलेटरी वर्क पढ़ेंगे, वाटर लॉगिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा नज़र डालेंगे, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो होगा जो पीछे वाले एग्ज़ाम क्वेश्चन है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रीवियस ईयर्स को भी और आगे क्या आने वाला है, एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है उस पूरी चीज़ को हमने फ्रेम किया है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स और रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स, इसी के बीच में यही आपका पूरा सिलेबस है किसका, इरिगेशन इंजीनियरिंग का। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जो इंट्रोडक्शन है उसको पूरा ब्रीफ करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास आगे इंट्रोडक्शन में मैंने क्या-क्या लिया है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको जो पढ़ाएंगे हम तो सिंपली लाडले बच्चों और प्यारे बच्चों आपने ज़्यादा उसमें नहीं करना है। आप देखिए इसमें हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंस मेथड जो हैं इरिगेशन के वो भी पढ़ेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इरिगेशन जो है वो भी उसके मेथड्स के फैक्टर अफेक्टिंग होंगे, टाइप ऑफ इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं माइनर मेजर जो भी जो हम पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे इसको, पर्पस पढ़ेंगे और देन उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफ फ्लड पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा है वाटर करा, दूसरा जो हमारा था जो मैंने दूसरा बनाया हुआ है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, मतलब कि जो आपका कितनी रिक्वायरमेंट है आपके जो क्रॉप्स होती हैं उसकी क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में, वो भी मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। उस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो लाडले बच्चों अभी टाइम नहीं गंवाना है और अपना जो टाइम है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें हम फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर और फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ लैंड, लैंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी पढ़ेंगे हम क्रॉप के लिए, और देन उसके बाद क्रॉप पीरियड क्या होता है, डेफिनेशंस ऑफ क्रॉप पढ़ेंगे, ग्रास कल्चर लेबर एरिया, ठीक है। तो इसी के इसके साथ हम जो इसको पूरा डिटेल में रखेंगे, ठीक है, डिटेल में रखेंगे इसको, डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम जीसी सम डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे, उसके देखेंगे क्या होता है उसमें, जैसे हो गया ग्रास कमांडेड एरिया हो गया, कल्चर लेबर कमांडेड एरिया हो गया, ठीक है, क्रॉप रेशियो होगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और इसमें डेल्टा और ड्यूटी इनका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है, डेल्टा के न्यूमेरिकल्स करेंगे, इरिगेशन में रिक्वायरमेंट क्या है,
क्रॉप्स को लेके, और उसके फैक्टर फैक्टिंग क्या है ड्यूटी के, और ड्यूटी क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, और सम उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कल्चरल कमांड एरिया है इक्वल टू ग्रॉस कमांडेड एरिया होता है, उसको माइनस करके अनकल्चर लेवल को, तो वो निकलता है हमारा कल्चर लेवल कमांड एरिया। तो वो हम पूरा सीखेंगे कैसे निकलता है और कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद ईटी को भी पढ़ेंगे और इरिगेशन एफिशिएंसीज को भी पढ़ेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलें आगे ज़्यादा समय ना गवाते हुए। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है, कैसे उसमें वेपोरेशन कंसिडेशन होती है, पेसिपिटेशन होती है, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन होती है, परकुलेशन कैसे वाटर की होती है, ट्रांसपिरेशन कैसे होती है, रन ऑफ क्या होता है, स्टोरेज क्या होती है, फ्लड्स क्या होते हैं, ड्रॉट क्या होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद आगे आपका फोर्थ में जो है उसको देखते हैं कि आगे हमारा क्या क्या रहेगा इस चीज़ को लेके। तो फोर्थ में हमारे पास बड़ा प्यारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ कैनाल। डिज़ाइन ऑफ कैनाल में हम प्यारे बच्चों, डिज़ाइन ऑफ कैनाल में हम देखते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ कैनाल क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसमें लाइन कैनाल क्या होती है, अनलाइन कैनाल क्या होती है, अनलाइन कैनाल में शेप क्या होती है, उसके हिल इफेक्ट्स क्या होते हैं, वाटर लॉगिंग कैसे होती है उसमें, इरिगेशन में जो कैनाल लेआउट है वो कैसे बनाते हैं, टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कैसे करेंगे, जो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं हम डिज़ाइन जब कनाल को रखते हैं, बड़ी चीज़ों का उसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो हम उसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से आपका साथ, और देन उसके बाद नेक्स्ट चलें आगे। समझ आ रही है? तो आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। डाइवर्जन ऑफ हेडवर्क, डाइवर्जन हेडवर्क वर्क्स में आता है टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ सूटेबल साइट चाहिए फॉर द डाइवर्जन हेडवर्क के लिए, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं डाइवर्जन हेडवर्क के, उसके काजेज ऑफ फेलियर, स्ट्रक्चर जब फेल होता है क्या क्या उसके फेलियर्स होते हैं, काज होते हैं, ठीक है। उसकी प्रीवियस फाउंडेशन देखेंगे क्या क्या उसमें रहेगा, ठीक है। खोलसा थ्योरी भी करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्लोपिंग भी देखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत हम डीपली पढ़ेंगे, देन जब इसको ब्रीफ करेंगे तो ये एक अच्छा मतलब ब्रीफ 0 से टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। आई नो कि आप लोगों ने बड़ी देर हो गई है इस चीज़ को पढ़े हुए, बिकॉज़ कुछ बच्चे नॉन टेक्निकल जॉब कर रहे थे और कुछ बच्चे अपने अपने पोस्ट ना निकलने के कारण भी नॉन टेक्निकल जॉब कर रहे थे, कुछ बैंकिंग सेक्टर में चले गए, कुछ बच्चे जो हैं वो नॉन टेक्निकल जॉब इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि फाइनेंशियल ख़राब था। तो देन उन्होंने इन बुक्स को पढ़े हुए 3 4 5 साल हो गए हैं, तो वो बच्चे भी बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे कल कॉल आया था रजौरी से, तो बच्चे वो उनकी शॉप है, तो उनको बोल रहे सर हमें 6 साल हो गए बुक्स को हाथ में लगाए, तो डोंट वरी वो एनरोल कर गए हैं, तो उनका रिव्यू भी अच्छा आ रहा है, टीचर्स का भी अच्छा आ रहा है। तो होपफुली आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों को अपने मेहनत करनी है, ठीक है, और मेहनत करते ही रहना है। तो चलें आगे। आपको पता है जब मैं बोलने शुरू होता हूँ तो ज़्यादा बोल देता हूँ, इसलिए टाइम ना गवाते हुए। कैनाल रेगुलेटरी वर्क होता है, जो कैनाल रेगुलेटरी में क्रॉस रेगुलेटर्स होते हैं, हेड रेगुलेटर्स आते हैं, कैनाल स्केप्स आते हैं, उसके बाद साइट कंट्रोल कैसे होता है, डिवाइसेस वो कौन कौन सी होती हैं, कैनाल आउटलेट्स के वर्क होता है, फ्लो मीटर होता है। तो देन ये पूरा देखेंगे रेगुलेटरी वर्क्स में क्या क्या होता है ना। तो वो आप जब हमने इसके इसको लॉ करना है तो ज्वाइन करिए, मोस्टली आप ज्वाइन करिए, आप तभी हमें आगे जान पाएंगे। ये तो हमारा यूट्यूब पे लेक्चर्स आ रहा है, लेकिन ये पूरा जो कोर्स है वो 6,000 में रहने वाला है। 6,000 में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने सिर्फ 99 स्टूडेंट्स को रखा था, 80 अबव प्लस हो चुके हैं 3 दिन में रजिस्ट्रेशन।
तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको विद इन 24 आवर में हम क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद मैनेजमेंट क्या करती है, कितने परसेंटेज डिस्काउंट रखती है, नहीं रखती है, पूरी 12,000 फी रखती है या 9,000 रखती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप समय ना गवाइए, हमारे साथ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वाटर PhD होल्डर्स हैं और अच्छे, जिनकी 5 ईयर्स से प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और वो भी लोकल नहीं, लोकल कोई भी नहीं, लोकल नहीं, जिन्होंने नेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हुए हैं वो टीचर्स, ठीक है। और जो खुद टीचिंग कर रहे हैं और टीचिंग में ही हैं और टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो वो NITs हैं, ठीक है, NIT से हैं, तो NIT श्रीनगर से हैं, जमशेदपुर से हैं, NIT लग लग NIT से हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जो एनरोल करिए और उनकी जो टीचिंग है, वे ऑफ टीचिंग देखिए, आपके पास जैसे ये आया है डेमो, देन उसके बाद और डेमो आपके पास क्लास आ रहे हैं, आपको दिख जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो www.aspireder.com में जाइए, www.aspireder.com, उस पर जाके आप देख लीजिए। देन उसके बाद आप डेमो देखिए, हाँ डेमो देखने के बाद एनरोल करिए, या कोई पहला ये नहीं है कि उसके बाद डेमो नहीं दिखाएंगे, पहले एनरोल करिए देन उसके बाद, वो कुछ नहीं, पहले आप डेमो देखिए, टीचर का वे ऑफ वो देखिए, देन उसके बाद आप एस्पायर रेडा का रिव्यू देखिए गूगल पे, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए, ठीक है। तो कोई इसका फोर्सफुली नहीं आपने करना है, हाँ ये है कि चलो 6,000 की जगह 9,000 देना पड़ेगा 2-4 दिन में, 2 दिन में, ये हम नहीं बोल सकते। तो उसके बाद आ गया वाटर लॉगिंग, नेक्स्ट चलें आगे, नेक्स्ट वाटर लॉगिंग, ठीक है। वाटर लॉगिंग में हमने क्या क्या पढ़ना है, वाटर लॉगिंग में हमने कॉज पढ़ने हैं, टाइप ऑफ वाटर लॉगिंग पढ़ने हैं, मेजर वाटर लॉग्ड एरिया क्या क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर लॉग के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मेजर कैसे करना है, उसको रिड्यूस कैसे करना है, मेजर कैसे करना है वाटर को, वाटर लॉगिंग को, उसके बाद उसको रिड्यूस करके वो हमेशा के लिए उसको ख़त्म कैसे करना है, जब वाटर लॉगिंग का क्या क्या रहता है, किस तरीके से होती है, तो इसको पूरी जानकारी लेंगे, पूरी क्लास में पूरे अच्छे मज़े से पढ़ेंगे और तसल्ली से पढ़ेंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक पढ़ेंगे। और प्लस पॉइंट है ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज का, कि आप उस वीडियो को 50 बार 100 बार देखिए आप, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। देन इसके बाद देखिए आगे हमारा ग्राउंड रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में है, तो ग्राउंड वाटर की अगर रिचार्ज की बात करें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में ग्राउंड वाटर पढ़ेंगे, मेथड ऑफ रिचार्जिंग पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, उनकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, जो अर्बन एरिया में वाटर आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल रिचार्जिंग होती है, एक तो होती है नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, उसमें आर्टिफिशियल भी होती है वो भी पढ़ेंगे, अर्बन एरिया में कैसे होती है। देन उसके बाद आगे पढ़ेंगे हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इरिगेशन में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग तो हो गया हमारा, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में हमारे पास जो भी रहेगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो साथ में ही हमारे पास इसके पास डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, डैम्स होता है, रेगुलेटरी वर्क्स जो जितना आता है, तो रेगुलेटरी में हाइड्रोलॉजिकल जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पढ़ेंगे, रिवर ट्रेनिंग वर्क के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉस ड्रेनेज कैसे होती है वो पढ़ेंगे, क्रॉस ड्रेनेज क्या होती है, उसकी कॉसेस क्या होते हैं, डिज़ाइन क्या होता है, देन उसके बाद हर चीज़ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉस ड्रेनेज के बाद होगा कैनाल हेडवर्क्स, तो कैनाल हेडवर्क में क्या रहता है वो पढ़ेंगे, वो पूरा पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया पीछे, वो पूरा पढ़ेंगे। देन उसके बाद इसको लास्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज पूरा कलेबोरेट पूरा इसके बीच में आता है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने इसको अपने अपने हिसाब से सेट किया पूरे सिलेबस को। तो आगे चलते हैं, आगे आपके पास रहेगा लास्ट में रहेगा हमारे पास रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स, उसके पर्पस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या होता है, मेथड ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या होता है, ये सारा पढ़ेंगे। और साथ में ही JEE में जो पढ़ा रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है प्यारे बच्चों,
ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका मैं एक बार सिर्फ आपको रिपीट कर देता हूँ, लास्ट चांस है। 90-80+ आई थिंक हो चुके थे, जो जस्ट मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सर से पूछा था। तो इसमें 50% का ऑफ है और लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट 99 स्टूडेंट्स, ये आप देख लीजिए लिखा हुआ है फर्स्ट 99 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 99 स्टूडेंट्स, ये आपके नीचे पढ़ लीजिए, ये 50% का ऑफ है। देन उसके बाद टीचर्स NIT जमशेदपुर से, देहरादून से मोहित सर, यूपी से हमारे दिल्ली से जो हैं, ये यूपी से दिल्ली से हमारे पास टीचर्स हैं, ये J&K से हैं गौरव सर। देन उसी के बाद आगे हम बात करें तो जो लास्ट में पूरी मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ कैसे क्यों करना है, उसके पीछे भी रीज़न मैं बता दिया पहले ही आपको कि कुछ बच्चे जो हैं वो 18,000 20,000 25,000 फीस नहीं दे सकते। ऑफलाइन की फ़ीस आपको पता है 18,000 से लेके 30,000 के बीच बीच में है, तो हर कोई बच्चा 30,000 और 18,000 नहीं दे सकता। तो उसी के बाद देखेंगे कि हमने जो फ़ी रखी है, टोटल फ़ी हमने 12,000 रखी थी, तो जो सारे टीचर्स का कहना था कि कोविड और एक ग्लोबल महामारी के कारण जो इकनॉमी है बहुत डाउन है सर, तो हम इस हिसाब से रखें जो हर बच्चा खरीद सके, हर बच्चा इस चीज़ को, इस पढ़ाई को अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके। टेस्ट सीरियस देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, इसमें बहुत कुछ है। तो वही कहने का कैसे रजिस्टर करना है बहुत बच्चों का क्वेश्चन था, तो वो भी बता देते हैं आपको। देखिए हमने सारा डिस्कस कर दिया हुआ है, देखिए JEE के कोर्स है हमारे पास, JEE सिविल का अकाउंट असिस्टेंट और क्लास 4th का है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर्स का, हैंड रिटन आपके घर के घर में नोट्स आ जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपके लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स एट योर डोर स्टेप। तो देन ये हमारे कोर्सेज हैं, देख लीजिए JEE की पोस्टें आ रही हैं, उसके लिए भी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी JEE का फिलहाल और अकाउंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, इसमें भी आई थिंक 30% का डिस्काउंट है। आपको अगर हैरानी होगी कि अगर ऑफलाइन आप जाओगे तो आपको 7,000-6,000 से कम कोई कोर्स नहीं देने वाला, लेकिन हम 3,500 का पूरा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स दे रहे हैं, पूरा सारे का सारा, ठीक है। वो लेक्चर्स चल रहे हैं, जिन बच्चों ने एनरोल किया उनको पता है, बाकी आप एनरोल करिए। JEE का जो है इसको 12,000 है, इसको हमने 12,000 को काट के 50% ऑफ रखा हुआ था। क्लास फोर्थ के जो बच्चे अभी रिवीजन करना चाहते हैं, ओनली 2,000 में पूरा रिवीजन करो, चाहे पूरा पढ़ लो 2,000 में। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स का ओनली 10,000 है, और इसमें भी आई थिंक 30% डिस्काउंट है, 7,000 का ये। हैंड रिटन नोट्स आपके सिर्फ आपको, अगर जो बच्चा हमारे एनरोल है कोर्स में, तो उस कोर्स के लिए सिर्फ उस पर्सन को प्रिंटिंग चार्जेस और कोरियर चार्जेस देने होंगे। जो बच्चे जम्मू में हैं वो हमारी एस्पायर लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, एस्पायर लाइब्रेरी 24/7 ओपन है, अंडर सर्वेलेंस का कैफेटेरिया है, और कैफेटेरिया में हमारे 24 आवर अवेलेबिलिटी है, हाई स्पीड इंटरनेट है, जो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरनेट की है, तो वो हम हाई स्पीड इंटरनेट दे रहे हैं हर बच्चे को। जो बच्चा हमारे पास यहाँ आएगा और एनरोल करेगा, उसके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है एस्पायर लाइब्रेरी में, एस्पायर अड्डा की तरफ से। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बने रहिए, थैंक यू सो मच।